हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा लेक्चर है कौन सी मेडिसिन किस काम आती है। इसका ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। आज हम देख के पहचानेंगे मेडिसिन के कुछ नाम जानेंगे, कुछ सफिक्स जानेंगे, जिसकी वजह से आप पहचान पाएंगे कि ये मेडिसिन आपकी इसलिए यूज़ होती है। तो मेडिसिन के पीछे कुछ वर्ड होते हैं जिनको हम सफिक्स बोलते हैं, उनको देख के हम पहचान सकते हैं कि हमारी मेडिसिन ये इसका ये यूज़ होता है। ओके, तो ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी बढ़ा रखा है आपको। आपका लिंक जो है फर्स्ट पार्ट का मैं कमेंट बॉक्स में भी लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। इस वीडियो के बाद जाके उसको भी चेक कर लेना। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सासिन। ये देखिए मेडिसिन का नाम आ रहा है, लीवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो ये मेडिसिन कैसी हैं आपकी, ये इसके पीछे ऑक्सासिन ऑक्सासिन आ रहा है ना, तो ये क्या होती है हमारी फ्लूरोक्विनोल, आपकी जो क्लास की एंटीबायोटिक्स होती हैं उसके आपके अंदर आती हैं ये मेडिसिन आपकी ऑक्सासिन वाली। दीज एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट अ रेंज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि आपका बैक्टीरिया वाला आपको ये इन्फेक्शन आपको हो गया है तो उसको बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम मेडिसिन ये यूज़ करते हैं। ये क्या करती है आपकी, बेसिकली ये आपका बैक्टीरिया का जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसको उसमें इंटरफेयर कर देती है, तो उसको इनहिबिट कर देगी। तो आपका बैक्टीरिया क्या करेगा, जनन नहीं कर पाएगा, अपना रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा, अपना मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएगा, तो आपका इन्फेक्शन वहीं का वहीं रुक जाएगा और आपका साथ साथ बैक्टीरिया आपका मरने लगेगा। फिर नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है लेमाइड। ये देखिए जैसे कि एसीटोजोलामाइड, आपकी डॉर्सोजोलामाइड, तो ये मेडिसिन ये पीछे देखिए लेमाइड लेमाइड आ रहा है ना, तो कैसी होती है हमारी मेडिसिन, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होते हैं आपके, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। ठीक है, ये करते क्या है, ये हमारे लो कर देते हैं इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को। ऑक्यूलर प्रेशर मतलब हमारे आँख का जो प्रेशर होता है उसको हम कम करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि आपकी ग्लूकोमा की कंडीशन होती है ना, तो ग्लूकोमा के केस में हम इसको यूज़ करते हैं, या फिर अगर आपका आई एडिमा हो गया है, कोई कहीं पे ब्लड आपका जम गया है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको हम देते हैं लेमाइड वाली मेडिसिन को, कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर्स को हम पेशेंट को देते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है टेरोल वाली, ये देखिए जिसके पीछे टेरोल होगा, जैसे कि आपका सैलमिट्रोल, आपका एल्ब्यूट्रोल, तो ये क्या है आपकी बीटा एगोनिस्ट आपकी क्लास की मेडिसिन होती हैं। ये क्या करती हैं, ये आपका जो एयरवे मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करने के लिए यूज़ करी जाती हैं, और आपकी जैसे कि कंडीशन हो गई आपको अस्थमा हो गया इनकेस, या फिर COPD हो गया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, आपके लंग्स वाले जो पेशेंट होते हैं इनको सांस लेने में तकलीफ होती है, उन पेशेंट्स को हम ये देते हैं। तो उनका पंप होता है ना, तो पंप में आपके जो मेडिसिन होती है कौन सी होती है, ये आपकी बीटा एगोनिस्ट आपकी मेडिसिन होती हैं। ये देखिए आप पंप है ना इसमें, तो ऊपर से आपका ये लगता है, तो ये क्या होता है इसमें टेरोल वाली मेडिसिन ही होती हैं ये। फिर हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है थायजाइड। थायजाइड ये देखिए क्लोरोथायजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, ये आपके कौन सी क्लास की मेडिसिन होती हैं, थायजाइड डायूरेटिक्स होते हैं ये, डायूरेटिक्स यानी कि आपका ये बॉडी में से यूरिन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करवाते हैं ये। ठीक है, तो वाटर पिल्स भी बोलते हैं इनको हम। तो क्या होता है, ये थायजाइड डायूरेटिक्स आर यूज टू इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन एंड ट्रीट कंडीशंस लाइक हाई ब्लड प्रेशर एंड एडिमा। तो हाई अगर बीपी हो गया हो किसी पेशेंट को, तो उसका यूरिन प्रोडक्शन हम बहुत ज़्यादा करवाते हैं ताकि उसका बीपी जो है वो नॉर्मल रेंज में आ जाए, तो उस केस में हम इस मेडिसिन को देते हैं थायजाइड वाली जो होती हैं। फिर हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है विर। जैसे ये देखिए असाइक्लोविर, ओसेल्टामिविर, ये क्या है हमारी एंटीवायरल्स हैं, वायरल यानी कि वायरस को मारेंगी। ठीक है, वायरस को रेप्लिकेट नहीं करने देती है, और वायरल इन्फेक्शन के टाइम पे ये मेडिसिन दी जाती हैं विर वाली। ओके, फिर हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है साइक्लिन। साइक्लिन ये देखिए डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ये मेडिसिन कैसी होती हैं हमारी, टेट्रासाइक्लिन क्लास की एंटीबायोटिक्स होती हैं। दीज एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो काफ़ी सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में ये मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, फिर हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है सार्टन, जिसके पीछे क्या होगा सार्टन, जैसे कि ऑलमेसार्टन, ये लोसार्टन, तो ये क्या है हमारी एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं ये, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये क्या करते हैं हमारा एंजियोटेंसिन को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, उसके इफेक्ट को ब्लॉक कर देते हैं। एंजियोटेंसिन करता क्या है, ये एक हार्मोन होता है जो कि नैरो कर देता है हमारी ब्लड वेसल को, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो अगर उस ब्लड आपके ब्लड वेसल को हम दोबारा नॉर्मल कर दें, तो उस केस में क्या होगा, हम इसको क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर जो हाई हुआ था उसको लो कर सकते हैं, तो उसके लिए यूज होती है। साथ ही साथ आपका हार्ट फेलियर के केस में उसको मैनेज करने के लिए भी हम ये मेडिसिन देते हैं, आपके कौन सी सार्टन वाली, जैसे कि ऑलमेसार्टन, लोसार्टन। ये देखिए इस पे हार्ट भी बन रखा है ना, यानी कि पेशेंट समझ जाए कि आपकी ये हार्ट वाली मेडिसिन है। फिर हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है ग्लिटाजोन। ये देखिए ग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन, आपकी रोजिग्लिटाजोन, तो ये आपकी कौन सी क्लास की मेडिसिन होती है,
थाए अजोलाडीन डायोन्स क्लास की जो मेडिसिन होती हैं ये, दीज मेडिसिन आर यूज टू इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी। अगर आपके इंसुलिन वाली सेंसिटिविटी हो गई, आपकी बॉडी में जो है इंसुलिन ढंग से बन नहीं पा रही, या फिर आपकी इंसुलिन बन तो रही है लेकिन हमारी बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पा रही, तो आपके टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन देते हैं। ओके, तो आपकी आपकी आपका जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ जो होती है ना, आपकी इंसुलिन की वजह से जो होती है, वाली क्लास की मेडिसिन के टाइप में आपको ये दी जाती है। कौन सी? थायाजोलिडीन डायोन्स क्लास की मेडिसिन ये दी जाती हैं। ओके, तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को देते हैं ये। फिर हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है पैरिन। ये देखिए पैरिन, जैसे कि हिपैरिन, इनोक्सापैरिन, तो पैरिन पैरिन वाली जो मेडिसिन हैं ये कैसी होती हैं? हमारी एंटीकॉगलेंट क्लास की मेडिसिन होती हैं। यानी कि आपके ये क्या करेंगी, अगर आपको कोई कहीं पे ब्लॉकेज हो गई है ब्लड क्लॉट की वजह से, तो उसमें टाइम पे हम पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं ये मेडिसिन। ओके, तो ये इंजेक्शन है आपके, तो उसमें डाल के हम उसको इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए। फिर हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है टेडीन। कल मैंने आपको लास्ट पिछली वाली वीडियो में टाइडाइन बताया था, वो H2 ब्लॉकर्स थे, लेकिन ये क्या है, H आपके एंटी हिस्टामिन्स हैं ये, ठीक है। इरामाइन, टेडीन, इरामाइन, ये क्या होते हैं? हमारे एंटी हिस्टामिन्स होते हैं। जैसे ये देखिए लोराटेडीन, तो इसमें टेडीन आ गया ना, ऐसे ही इरामाइन, ये देखिए फिरिरामाइन, तो इरामाइन इसमें भी आ गया ना, तो ये क्या होती है? हमारी एंटी हिस्टामिन्स होती हैं। दीज एंटी हिस्टामिन्स आर यूज टू रिलीव एलर्जी सिम्टम्स। तो आपके जो एलर्जी होती है उसके केस में दी जाती है ये। क्या करती है हमारी एंटी हिस्टामिन? आपके जो हिस्टामिन होता है उसको ब्लॉक कर देगी। हिस्टामिन क्या है? एक सब्सटेंस है जो कि आपके एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो अगर आपके हिस्टामिन को आपका रोक देगी, उसको ब्लॉक कर देगी, तो उसके सिम्टम्स आपको नहीं दिखेंगे आपके एलर्जी में, तो एलर्जी में ये मेडिसिन दी जाती है। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये हमारा छोटा सा लेक्चर था कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो, और अगर आपको इसका थर्ड पार्ट भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है पार्ट 3, और मैं आपके लिए बहुत जल्द पार्ट 3 भी ले आऊँगा। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है मैंने, उसको फर्स्ट पार्ट भी देख लेना। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।